हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बहुत ही मज़ेदार सा राजमा की रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी राजमा था जो मैंने रात में ओवरनाइट सोक कर लिया था। इसके बाद जो है उसका जो पानी था वो मैंने अच्छे से निकाल दिया है और उसे एक बार अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अगर आप राजमा को ओवरनाइट सोक करते हैं तो परफेक्ट आपका राजमा जो है वो बनता है, और टाइम कम है तो आप जो है गर्म पानी में भी इसे सोक कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे 3 कटोरी के करीब पानी ले लिया था और जो है इसके अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया है गरम मसाला। तो मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर खड़े गरम मसाला भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा ही मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। तो मैं कह रही थी कि राजमा जो है वो 2 टाइप का आता है, मतलब 2-3 टाइप का आता है। तो ये वाला तो है लाल कलर का, एक ब्राउन कलर का आता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। और अगर आपका राजमा जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, रखा रखा, तो आपको जो है इसको कुक करने में टाइम लग सकता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ घी। तो जो राजमा है वो घी के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट करता है। तो अगर आपने ट्राई नहीं किया है घी में राजमा फ्राई करना, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको जो है वो डिफरेंस बिल्कुल नज़र आएगा। और विंटर में गर्मा गर्म राजमा और स्टीम्ड राइस के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अंदर मैंने 2-3 चम्मच के करीब ऑयल भी लिया है। अब जब अच्छे से घी गरम होगा उसके बाद हम जो है वो तड़का बनाना स्टार्ट करेंगे। तो राजमा जो है वैसे तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी, लेकिन राजमा में ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता है। राजमा में एक बीन्स का टेस्ट आता है, लेकिन इसके अंदर हम जितना फ्लेवर हम देंगे उतना ही अच्छा जो है आपका राजमा बनेगा। तो अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1 तेज़पत्ता, और मैंने यहाँ पे ली है 4-5 ही काली मिर्च ली है, वो मैंने डाल दी। काली मिर्च का फ्लेवर राजमा के अंदर बहुत अच्छा आता है। अगर आपको ऐसी साबुत काली मिर्च नहीं पसंद है तो आप बाद में जब हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे इसके बाद आप इसमें जो है काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं क्रश करके। अब मैंने यहाँ पर जो है 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे। तो राजमा के अंदर प्याज और टमाटर, टमाटर तो मेन होता ही है। अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज और टमाटर इन दोनों का जो है रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जो मैंने इलेक्ट्रिक चॉपर में अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। आप मैनुअल चॉपर जो होता है उसके अंदर चॉप कर सकते हैं। अगर मैनुअल चॉपर नहीं है तो आप इसको बारीक काट लीजिए। प्याज जो है वो हमको काट के लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे जीरा पाउडर डाल रही हूँ। आप देख ही सकते हैं मैंने यहाँ पे जीरा नहीं डाला था, तो मैंने इस स्टेज पे जीरा डाला है ताकि इसका जो है अच्छा फ्लेवर आए। और आप देख सकते हैं प्याज जो है वो ऐसे ब्राउन से होना स्टार्ट, वो हमें अच्छे से भूनना है, बिल्कुल डार्क ब्राउन भी नहीं करना है। लेकिन प्याज की इसमें भुनाई जो है वो बहुत ही मेन रोल प्ले करती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 से 4 टमाटर होंगे, ये आप 3 टमाटर ले सकते हैं मीडियम साइज़ के। इसको भी मैंने जो है चॉपर में चॉप कर लिया है, इलेक्ट्रिक चॉपर में मैंने यहाँ पे चॉप किया है। आप इसकी टमाटर की जो है वो प्योरे बना सकते हैं। और इसके बाद इसके अंदर मैं नमक डाल दूँगी ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से कुक होना जल्दी स्टार्ट हो जाए। और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये मैंने यहाँ पे लिया है अदरक, अदरक को मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ। और जो मैंने टमाटर लिया था उसके साथ ही मैंने लहसुन को जो है वो ग्रेट कर लिया था, मतलब इलेक्ट्रिक चॉपर में जो है वो उसके अंदर पीस लिया था मैंने। आप जो है जब टमाटर को मिक्सर में ग्राइंड करेंगे तब आप उसके साथ लहसुन ग्राइंड कर सकते हैं, नहीं तो आप प्याज के साथ भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें नॉर्मल रूटीन के मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया का पाउडर, वो सब मैंने डाल दिया है। धनिया पाउडर मैंने 1 चम्मच लिया है। अब मैंने यहाँ पर जो है धनिया का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर और हल्दी का पाउडर। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो है करी पाउडर लिया है, ये मद्रास करी पाउडर आता है वो लिया है। आप यहाँ पे किचन किंग जो मसाला आता है वो ले सकते हैं, उससे जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। वो नहीं है तो आप थोड़ा सा, अगर आपके पास मैगी मसाला है मैजिक है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है उन सब मसालों की। हमारा जो ये राजमा है बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है 2-3 जो है हरी मिर्च थी, इसे मैंने लंबा स्लेट कर लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया है।
तो देख सकते हैं आप जो टमाटर है वो कुक होना स्टार्ट हो गया। अब साइड से जो है ऑयल भी आपको दिख रहा है। और इधर जो है वो राजमा भी अच्छे से कुक हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से ये कुक हुआ है। तो जब आप इसको तोड़ेंगे ना तो ये देखिए कितना सॉफ्ट सा हो गया है। तो ऐसा ही हमको ओवर कुक अगर हो जाएगा राजमा तो वो भी अच्छा नहीं बनेगा। अगर आपका राजमा कच्चा रह जाएगा तो वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो अभी जो हमने मसाला बनाया था प्याज टमाटर वाला, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, कुकर के अंदर ही डाल दूँगी। और अभी आपको ये जो है थोड़ा गाढ़ा दिख रहा होगा, अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तो मैंने अभी इसके अंदर पानी डाल दिया है और इसको जो है अभी ये बिल्कुल तैयार नहीं हुआ है। अभी मैं इसको कुकर का जो है पानी डाल के कुकर का ढक्कन लगा के थोड़ी सी देर के लिए, मैं कम से कम इसको एक सीटी तक आने के लिए इसको कुकर में रख दूंगी, ताकि जो जितने भी हमने मसाले डाले हैं वो सब राजमा के अंदर सारे के सारे मतलब रच बस जाए। उससे जो है बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। ये वाला आप जो है ट्रिक आजमा के देखिएगा। आप थोड़ी सी एक विसल आने तक उसको कुकर में इसको रहने दीजिए। इसके बाद इसको कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए आपको ऐसे ऐसे चलाते रहना है। फ्लेम पे रख दीजिए, ढक के रख दीजिए। उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा राजमा बनके तैयार होता है। जितना आप इसे पकाएंगे ना उतना ही अच्छा आपका राजमा बनेगा। इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। आप जो है धनिया पाउडर इसमें ज़रूर डालिएगा, सॉरी धनिया जो है हरा फ्रेश जो कोरिएंडर है बहुत अच्छा लगता है गर्मा गर्म राजमा के अंदर। तो अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल राजमा और जो है सारी ग्रेवी एकदम अच्छे से हो गई है। ग्रेवी थोड़ी थिक सी हो गई है, हमें बस इतना ही थिक हमें राजमा रखना है, ज़्यादा वैसा नहीं रखना है, ज़्यादा हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। थोड़ा सा मैंने गर्म मसाला लास्ट में डाल दिया है, पहले हमने जब उबाला था तभी डाला था, अब मैंने लास्ट में भी डाल दिया है। तो ये देखिए ये कंसिस्टेंसी मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगी है राइस के साथ खाने के लिए, रोटी के साथ खाने के लिए। आप इसके साथ गर्मा गर्म रोटी राइस और साथ में सैलेड सर्व कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो बिल्कुल तैयार है और इसके साथ जो है कटा हुआ नींबू वो ज़रूर सर्व कीजिएगा, क्योंकि राजमा के अंदर लेमन का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो जैसा मैंने बोला था आप इसको जितना पकाएंगे उतना अच्छा इसका जो है टेस्ट आएगा। तो राजमा तैयार है, इसको मैं कटोरी में निकाल लूँगी और इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। इसके ऊपर एक चम्मच घी और डाल दीजिए, उससे इसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।